कैसे हैं आप सब। मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट दी गई है, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में वेदर किया था, वेदर एंड एयर हमने शुरू किया था, और आज हमें वेदर के बारे में हमने पढ़ लिया कि हाउ सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन वेदर एंड सीजन। तो अब इस क्लास में हमने, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमने नेक्स्ट क्लास में हाउ सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लोइंग ऑफ विंड्स करना है। उसके लिए हमें एयर के बारे में जानना है, और हमें दो टॉपिक्स और नए सीखने हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। कैसे सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन वेदर, तो हो गया दैट। और सबने मैंने कहा था, अभी मैंने वीडियोज नहीं रिसीव करी, बट अब आप धीरे धीरे देखोगे तो आपने इस चैप्टर को समझ के अपने आप ग्रुप एक्टिविटी और अपने साथ अपने फ्रेंड्स की हेल्प से पूरी एक्टिविटी को ये करनी है, ठीक है। अब हम करते हैं हाउ सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लोइंग ऑफ विंड्स। सन कैसे रिस्पॉन्सिबल हो है हवा के रुख को तेज करने के लिए, ठीक है, हवा को चलाने के लिए। एयर के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन वेदर, वो हम पढ़ चुके हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जब हम प्लैनेट्स करेंगे तब भी समझेंगे। अब देखो क्या होता है कि अर्थ गेट्स हीटेड अप बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। हमारी जो धरती है वो गर्म हो जाती है बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, बिकॉज सन क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट है। व्हेन अर्थ गेट्स हीटेड अप, तो जो वार्म एयर है, अर्थ गेट्स हीटेड अप ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, द हीटेड एयर जो गरम हवा है, दैट बिकम लाइटर, द हीटेड एयर बिकम वार्मर एंड लाइटर एंड इट गोज अप। जो चीज लाइट होगी इट कैन गो अप, एंड जो चीज हैवी होगी इट विल कम डाउन। ये सबको पता है, जो लाइटर चीज है दैट कैन गो अप एंड द हैवी चीज कैन डाउन, यही होता है हमेशा। तो बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, जो सन की गर्मी है, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन अर्थ गेट्स हीटेड अप, अर्थ गर्म होती है। बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द अर्थ, द हीटेड एयर जो अर्थ की गर्म हवा है, दैट गोज, दैट बिकम वार्मर एंड लाइटर, वो हल्की हो जाती है एंड इट गोज अप, और उसकी स्पेस को फिल करने के लिए जो कूलर एयर है दैट कम्स डाउन, और दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग विच एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्लोइंग ऑफ विंड्स, जिसकी वजह से विंड्स या हवा चलती है। तो ब्लोइंग ऑफ विंड्स is caused due to the heat of the sun, ठीक है। हमारे दो reasons हुए, weather change, climatic condition and season changes due to sun, how sun is important in our life, और जो blowing of winds है, हवा भी चलना किसकी वजह से है, sun से, ठीक है। This movement continues, ये चीज गर्म हवा ऊपर गई ठंडी हवा नीचे आई, गर्म हवा ऊपर गई ठंडी हवा नीचे आई, and this movement continues, ये चलता रहता है process, and this causes of blowing of winds. As we have learned in the previous chapter, हमने अपने पुराने chapters में या हमने पुरानी class में अपनी third में भी पढ़ा है कि sun is also responsible for rain, sun is responsible for weather change, sun is responsible for blowing of winds, sun is responsible for rain also. Sun is responsible for rain. How come? Rain के वो जो हमने process of water cycle पढ़ा था class 3 में, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, सन की गर्मी से जितना भी पानी है वाटर रिसोर्सेज में, पॉन्ड्स में, लेक, सोर्सेज ऑफ वाटर कौन कौन से हैं, रिवर, लेक, सीज, ओशन, पॉन्ड्स, जितने भी वाटर सोर्सेज हैं उनका पानी बिल्कुल गर्म, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन इट गेट ड्राई, ड्राई मीन्स इवेपोरेट हो जाता है। जब वो ड्राई होता है, इवेपोरेट होता है, तो वो पानी ऊपर क्लाउड्स में उड़ता है,
चलता है ऊपर, उसके वाटर वेपर्स बन जाते हैं. जब वाटर वेपर्स बन जाते हैं, इट मिक्सेस विद द क्लाउड्स, क्लाउड्स बिकम हैवी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच रेन कम्स. तो सन इज द हीट ऑफ द सन इज ही सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर चेंज बिकॉज अर्थ कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. Sun is responsible for the blowing of winds on the earth because of the heat of the sun. Sun is responsible for coming of rain because of the process of water cycling. ये तीनों reasons सबको समझ आ गए. Raise your hand जिनको ये तीनों चीजें समझ आ गई. Very good. अब हम आते हैं air पे. हमारा next topic क्या है? Air. Our next topic is air. Okay. Weather हमें समझ आ गया. Air. हमारे आसपास क्या है, हम जो सांस ले रहे हैं बच्चों मेरे, हम आसपास क्या महसूस करते हैं, हम एयर को टच नहीं कर सकते. हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस में कि गैस इज गैसियस, एयर इज फुल ऑफ गैसेस. तो हम गैस को, वाटर वेपर को, एयर को हम टच नहीं कर सकते, बट वी कैन फील इट. हम उसको फील कर सकते हैं. वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट, इट्स प्रेजेंस व्हेन इट ब्लोस. हम उसको टच नहीं कर सकते लेकिन हम हवा को फील कर सकते हैं जब वो चलती है. ठंडी हवा चले, गर्म हवा चले, लद्दाख में तो गर्म नहीं चलती, ठंडी हवाएं चलती हैं, आप फील करते हो, आपको ठंड लगती है, आप टच नहीं कर सकते हो हवा को, ठीक है, लेकिन आपको अपनी बॉडी पे फील होती है जब वो चलती है. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड? एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है, जो चलती हुई हवा है उसको कहते हैं विंड. जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, व्हाइल फास्ट मूविंग विंड इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग. जो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलती है, धीरे धीरे चलती है, जेंटली मूविंग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीज एंड स्ट्रॉन्ग? आपको कोई बोले बच्चों डिफरेंस लिखो ब्रीज का, ब्रीज क्या है और स्ट्रॉन्ग क्या है, ये डिफरेंस देखो. ब्रीज क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है? जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, बहुत ठंडी ठंडी जो धीरे धीरे चलती है, जो आपको अच्छी लग रही होती है, दैट इज ब्रीज. और फास्ट मूविंग विंड, बहुत तेज हवाएं जो चलती हैं उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग. तो आप लिखोगे जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज एंड फास्ट मूविंग wind is called strong. Gently moving air is called breeze. जो बिल्कुल धीरे धीरे चलती है, that is breeze. And strong moving winds are called, or strong moving, fast moving winds are called strong. अब हमें air पता चला, हमें breeze पता चली, air, wind, breeze and strong. कौन कौन से four terms पता चले सबको? Air, wind, breeze and strong. कौन कौन से four terms पता चले? Air, wind, breeze and strong. अब एक activity आपकी book में दी हुई है जब सब बच्चे करेंगे balloon की. ये मैंने पहले states of matter में भी करवाई हुई है, तो सब बच्चों ने इस activity को read करके ये वाली एक्टिविटी को रीड करके पेज 111 पे जो बिंगोज एक्टिविटी टाइम है, आप बलून लोगे. सब बच्चों को बलून फुलाना बहुत अच्छा लगता है, बर्थडे पे बुलाते हैं ना बलून, वो बलून लेके उसको इन्फ्लेट करना है, डिफ्लेट करना है, उसका वेट देखना है, देखना है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कितनी उसकी वेट होगी. ये हमने एक्टिविटी स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में की थी. अगर बच्चों ने उस चैप्टर में नहीं करी थी तो इस चैप्टर के लिए आप ये एक्टिविटी करोगे, और जिन्होंने उस एक्टिविटी उस चैप्टर की कर ली है उनको फिर से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो ये वाली एक्टिविटी आप देख लोगे, इसको पढ़ोगे और करेंगे अपने आप, ठीक है. उसके बाद एयर इज, हमने जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस, और जो दो मेन गैसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें हमारा नाइट्रोजन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है. अपार्ट फ्रॉम दीज, ट्रेस अमाउंट्स ऑफ सम अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर आर आल्सो फॉर्म. द अदर कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स.
इन्होंने अब आपको बताया है कि एयर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। पहले आप पहले ही बुक में बताया व्हाट इज वेदर, फिर बताया व्हाट इज एयर। एयर में आपको विंड के बारे में पता चला, ब्रीज के बारे में पता चला, स्ट्रॉन्ग के बारे में पता चला। अब इन्होंने कहा है कि एयर कंपोनेंट्स ऑफ एयर क्या है, मतलब एयर किस किस से मिलकर बना है, कंपोनेंट्स ऑफ एयर क्या है, एयर किस किस से मिलकर बना है, कंपोनेंट्स में क्या आता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस, जिसमें हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट पे होता है, ये हमने कंपोनेंट्स ऑफ एयर में किया था। ऑक्सीजन जो होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट होता है, ठीक है। नाइट्रोजन, ये हमने लास्ट चैप्टर में कंपोनेंट्स ऑफ एयर का प्रॉपर डायग्राम भी बनाया था, या आप क्लास 5 में भी इसको फिर से सीखोगे। नाइट्रोजन का लार्जेस्ट पार्ट है, ऑक्सीजन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, इसके अलावा कुछ ट्रेस जो है, कुछ कुछ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है और वाटर वेपर भी। और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स। स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स, दीज आर ऑल कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर। कॉम्पोनेंट्स मतलब एयर किन किन गैसेस से मिलकर बनी है, किस किस से मिलकर बनी है, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन का पार्ट बहुत ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का उससे कम सेकेंड लार्जेस्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी होते हैं एयर में, और उसके अलावा स्मोक, डस्ट और जर्म्स। एक आपको जीके नॉलेज के लिए पिंक बॉक्स में डेफिनेशन दी हुई है, जो सब बच्चों ने अंडरलाइन करनी है। एयर फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ, दिस ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। बच्चों अब आप ये जो एटमॉस्फेयर है, अभी आप सिर्फ एयर और वेदर पढ़ रहे हो, जो एटमॉस्फेयर है ये आप क्लास 5 में पढ़ोगे। व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड व्हाट आर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है और उसकी लेयर्स क्या है, उसको आप क्लास 5 में पढ़ोगे। अभी सिर्फ आपने ये देखना है कि एटमॉस्फेयर क्या है। जो आपके एयर के आसपास एक ब्लैंकेट मीन्स एक चद्दर या एक कंबल सा होता है, द एयर दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अदर थिंग्स। एयर फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट एंड दिस प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। बस इतना ही सुनना है, इतना ही जानना है, इसको आगे और डिटेल में वी विल बी डूइंग इन नेक्स्ट क्लास। उसके बाद आप आ जाओ सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। अब इसके डायग्राम्स और इनका डिफरेंस और इनको साइंस की लैंग्वेज में प्रॉपरली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, पहले सी करते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक और फिर लैंड। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। अब हाउ दे आर रिलेटेड टू एयर। द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड एयर करंट। एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट, हवा का चलना, कॉन्टिन्यूसली चलना, गर्म से कोल्ड रीजन में, कोल्ड से गर्म रीजन में, उनको बोलते हैं एयर करंट्स, ठीक है। इन एयर करंट्स के बेसिस पर कैसे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होते हैं। देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सन, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, अर्थ गेट्स वार्म, ठीक है। और आपको एक साइंस की चीज पता होनी चाहिए कि जो लैंड है, जो धरती है, वो पानी से जल्दी, जो पानी है वो ज्यादा गर्म या ठंडा होता है लैंड के कंपैरेटिवली, ठीक है। लैंड हीट्स अप, कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। लैंड पे अगर कोई चीज गर्म है तो लैंड पे पड़ी हुई है तो वो ज्यादा गर्म होगी कंपैरेटिवली टू सी। कोई चीज ठंडी है तो वो लैंड पे ज्यादा ठंडी होगी एज कंपेयर टू सी। लैंड हीट अप एंड कूल्स डाउन, लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन सी। तो क्या होता है, जब दिन के टाइम में गर्मी होती है और शाम को ठंड होती है, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन लैंड हीट अप क्विकली या मोर देन सी, ठीक है। तो जो लैंड की वार्म एयर होती है इट राइजेस अप, और जो जो सी की ठंडी हवा होती है वो लैंड पे आ जाती है, बिकॉज लैंड की गर्म हवा ऊपर उड़ गई। उस हवा को जो द विंड विच कम्स फ्रॉम, और द एयर विच कूल्स एयर, cool air which comes from sea to land,
that is called sea breeze. Similarly in night time land become cooler than sea in a less span of time. कम टाइम में हुई लैंड जो है वो जल्दी ठंडी हो गई सी से, तो जो लैंड की ठंडी हवा है वो सी के पे आ गई, दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। थोड़ा समझ आ रहा है? फिर से समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इजी है। हमारी पहले देखो, हमने पढ़ा था जब हमने एयर शुरू किया था तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट समझाए थे। मैंने कहा था ब्लोइंग ऑफ विंड्स, हवा जो चलती है बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, सन की हीट की वजह से ही हवा चलती है। किसकी वजह चलती है? सन की हीट की वजह से हवा चलती है। कैसे? बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन अर्थ गेट हीटेड अप। सन की गर्मी से, सन की तेज लाइट और गर्मी से हमारी धरती गर्म हो जाती है। तो जो एयर ऑन द अर्थ है दैट गेट हीटेड अप एंड दैट वार्मर एयर, जो वो गर्म हवा होती है वो वार्म भी हो जाती है और लाइटर भी, एंड इट गोज अप। उसकी जगह फिल करने के लिए कूल एयर आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सन मून। और ये जो प्रोसेस होता है कि वार्मर एयर गोज अप बिकॉज इट इज लाइटर और उसकी जगह पे कूलर एयर आ गई, दैट कॉजेज ब्लोइंग ऑफ विंड्स। उसकी वजह से तेज तेज हवाएं चलती हैं, जिनको हम एयर करंट्स भी कहते हैं। उनकी वजह से ये दो प्रोसेस होते हैं। कैसे? देखो, वेन ये सबसे पहले आपको नोट करना है एक चीज, लैंड जो है मतलब नॉर्मल लैंड धरती, दैट गेट्स हीटेड अप और कूल डाउन फास्टर देन वाटर और सी। जो लैंड है वो गर्म भी जल्दी होगी और ठंडी भी जल्दी होगी एज कंपेयर टू पानी। जो लैंड है, जो धरती है वो गर्म और ठंडी जल्दी होगी एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू सी। तो इन द डे टाइम एंड इन नाइट टाइम, डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड अप बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, एंड इन द इवनिंग टाइम और इन द नाइट टाइम लैंड गेट कूल डाउन फास्टर देन द सी। तो होता क्या है, लैंड ब्रीज कब होती है? सी ब्रीज कब होती है? सी ब्रीज होती है डे के टाइम, सी ब्रीज होगी डे के टाइम और लैंड ब्रीज होगी नाइट के टाइम। हाउ कम? कैसे? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट की लैंड जल्दी गर्म या ठंडी होती है एज कंपेयर टू सी। तो जब डे के टाइम में बिकॉज ऑफ द गर्मी ऑफ द सन, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, जो लैंड है वो गर्म हो जाएगी और जो वार्मर एयर है लैंड की वो ऊपर हुई, लाइटर है उड़ गई। उस वार्मर एयर को फिल करने के लिए सी की ठंडी हवा लैंड पे आई। द एयर विच इज कमिंग फ्रॉम सी टू लैंड, द एयर विच इज कमिंग फ्रॉम सी to land is called sea breeze, is called sea breeze. The cool air coming from sea to land, because land ki air jo hai wo ud gayi hai because it is warmer than sea, that is called sea breeze. And during night time the cool air from land which is going to sea, during night time लैंड की हवा ज्यादा ठंडी है और सी की उससे कम है, तो सी की वार्मर एयर गोज अप और लैंड की ठंडी हवा इज फिलिंग द स्पेस ऑफ सी। तो एयर विच इज गोइंग फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट टाइम, दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। पेज 112 पे आइए सब, एवरीवन पेज 112, एवरीवन। लैंड गेट्स हीटेड अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है एज कंपेयर टू पानी, एज कंपेयर टू सी एंड वाटर। देयरफॉर इन द डे टाइम, इसीलिए दिन के टाइम में लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है और जो लैंड की एयर है इट गेट्स वार्मर, हीटेड अप एंड द हीट ऑफ द सन, द हॉट एयर ऑफ द लैंड राइजेस अप एंड टू फिल दैट स्पेस कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोज इन द लैंड, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। क्योंकि वो हवा, ठंडी हवा कहां से आ रही है? सी से, लैंड पे, क्योंकि लैंड की हॉट एयर इज अप। नाउ ड्यूरिंग नाइट टाइम एटमॉस्फेयर इज कूलर, रात के टाइम ठंडा हो जाता है एटमॉस्फेयर, तो ठंडा हो जाता है तो लैंड के में लैंड इज कूलर एज कंपेयर टू सी। तो द कूलर एयर फ्रॉम लैंड इज ब्लोइंग टूवर्ड्स द सी बिकॉज सी की हवा इज गोइंग अप बिकॉज ऑफ द वार्म। दिस air that is going from land to sea,
This air, which is blowing from land towards the sea, that is called land breeze. Sea breeze happens during daytime and land breeze happens during nighttime. Sea breeze happens during daytime and land breeze happens during nighttime. अब diagram. अब आप लोगों ने बच्चों ने क्या करना है इसको देखने के लिए इसको ध्यान से बिल्कुल कैट्स को इनको फिर से एक बार डायग्राम बना के बोर्ड पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा. लैंड ब्रीज हैपेंस ड्यूरिंग नाइट टाइम, तो उस केस में आप क्या दिखाओगे, लैंड की लैंड से हवा के एरो सी पे जा रहे हैं. आप लोग देख रहे हो लैंड ब्रीज में, आप सी ब्रीज में डे दिखाओगे, ये देखो ऐसे बनेगा. आप बॉक्स बनाएंगे सब अपनी कॉपी में, यहाँ पे लिखोगे सी ब्रीज, यहाँ पे आपको डे दिखाना है, सन दिखा देना, ठीक है, डे दिखाना है, और यहाँ पे आप सी दिखा दो और ये आप लैंड दिखा दो. तो अब सी ब्रीज में लैंड की तरफ, सी से लैंड पे एयर आ रही है, देख रहे हो आप, सी से लैंड पे एयर आ रही है. और लैंड ब्रीज पे रात दिखाओगे, मून दिखा दोगे आप, मून दिखा दिया, ठीक है, मून हो गया. और यहां पे सी दिखाया, यहां पे लैंड दिखा दी. अब लैंड ब्रीज में बिकॉज रात का टाइम है, लैंड से सी पे हवा आ रही है, ठीक है, समझ आया, लैंड से सी पे हवा जा रही है. तो ये दोनों डायग्राम्स पेज 112 पे बने हुए हैं, ये दोनों डायग्राम्स बनाने हैं अपनी नोटबुक पे सबने एक ही पेज पे लाइन डाल के, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हेडिंग देके और इनका डिफरेंस भी लिखना, ठीक है, इतना समझ आ गया. अब आएंगे हम एयर एंड इट्स इंपॉर्टेंस. एयर और उसकी इंपॉर्टेंस, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबको पता है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, दे नीड एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए हवा चाहिए. विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव, एयर के बिना हम बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते. एयर इज नीडेड टू बर्न थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर, इसकी एक्टिविटी पेज 113 पे दी हुई है. ये सब क्लास में मैम के क्लास के सामने करेंगे, बताती कैसे करनी है. Air is responsible for air, rain. There will be no rain without air. ठीक है, कोई water cycle का process ही नहीं होगा अगर air नहीं है, ठीक है, क्योंकि sun की light नहीं है. Now, changes in season is caused due to the moon or the sun. You will answer. Changes in weather or season is caused due to weather. It is caused due to moon or sun. Yes, very nice, sun. डैश एंड डैश आर द टू मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में क्वांटिटी में गैसेस एयर में प्रेजेंट होती है वो कौन सी है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन नंबर वन, ऑक्सीजन सेकेंड लार्जेस्ट. एयर इज नीडेड टू बर्न थिंग्स लाइक वुड एंड ग्लास, वुड एंड पेपर, सॉरी. आप इस एक्टिविटी के लिए क्या करोगे, आपने घर से एक कैंडल लानी है, मैच बॉक्स और एक ग्लास. आप इस एक्टिविटी को घर पे भी पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन के अंडर करोगे, अकेले नहीं करोगे, बिकॉज आप यू हैव टू लिट द कैंडल, आपको कैंडल को चलाना है. जो आप बच्चे छोटे हो आप खुद नहीं कर सकते हो, या आपके लिए कैट्स करेंगी या आपके पेरेंट्स करेंगे. कैंडल लोगे, कैंडल को जला के रखोगे, थोड़ी देर उसको ऑब्जर्व करोगे, उसके ऊपर फिर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रख दोगे थोड़ा सा कैंडल की लिट से ऊपर. तो आप उसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, थोड़े टाइम बाद उस कैंडल की जो है वो लिट वो बुझ जाएगी. तो आपने क्या क्या पता चला, जब तक आपने कैंडल को ओपन रखा हुआ था वो जल रही थी, जैसे उस कैंडल को आपने कवर कर दिया ग्लास से वो बुझ गई. इट मीन्स फॉर बर्निंग, जलाने के लिए भी हवा इज नीडेड, एयर इज नीडेड. जैसे ही आपने उस कैंडल को ढका उसमें हवा आनी बंद हुई एंड वो बुझ गई, मतलब बर्निंग के लिए भी एयर इज इंपॉर्टेंट. तो इसको करके देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे. अब कम टू पेज नंबर 115 फॉर वन मोर एक्टिविटी. ये तो क्लास में ही हो जाएगी, इसमें क्या करना है, ये पेज 115 की एक्टिविटी और लेजर टाइम, जिसमें आपके पास एक अल्फाबेट्स का ग्रिड बना हुआ है, उस अल्फाबेट्स के ग्रिड में आपको 8 वर्ड्स बनाने हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है. हमारा ये चैप्टर अभी खत्म हो रहा है इस क्लास में,
तो आपने एक ग्रिड देखना है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हाथ में पेंसिल लोगे, इस ग्रिड को नोट करते हुए आपने इस ग्रिड में से एट वर्ड्स, इस चैप्टर में जो एट वर्ड्स आए हैं उनको बाहर निकालना है और लिख के कैट्स को दिखाना है कि मैम आउट ऑफ दिस ग्रिड वी कैन सी दीज एट लेटर्स. ओके डन. एंड उसके बाद आपका होगा एयर प्रेशर. ओके, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो अच्छा हमने वर्क फोर्स और एनर्जी किया है और हमने स्टेट्स ऑफ मैटर भी किया है, अब हमने एयर भी कवर करी है. तो हमें सारे टर्म्स का पता है बच्चों कि एयर क्या है, फोर्स क्या है, एक्सर्टेड. तो जब एयर की तरफ से फोर्स अप्लाई होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर और एनी ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड प्रेशर. तो फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एयर प्रेशर. उसके लिए यू टेक, अब एक टेबल पे आपने एक रूलर लिया, स्केल लिया, अब उस टेबल पे रूलर को रखा थोड़ा सा आधा, जैसे फॉर एग्जांपल ये डस्टर पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बड़ा सा स्केल रखो. व्हेन यू डू स्केल लाइक दिस इट विल फेल डाउन, मतलब उस स्केल पे कोई भी प्रेशर नहीं है. बट अगर आप उस स्केल के नीचे कोई शीट ऑफ पेपर रखते हो एंड देन यू पुट अ फिंगर ऑन दैट, देन इट विल नॉट फेल डाउन. इट मीन्स उस स्केल के ऊपर उस शीट ऑफ पेपर का क्या है, प्रेशर है, विच इज बिकॉज ऑफ द एयर. सो एयर एक्सर्टेड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एयर प्रेशर. जो भी हमें फोर्स या प्रेशर एयर की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है दैट इज कॉल्ड एयर प्रेशर. ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का. अब आपने एक इस क्लास के बाद लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का डिफरेंस प्रॉपरली अपने वर्ड्स में और उनके डायग्राम्स दोनों बुक में से देख के, और ये जो लेजर टाइम एक्टिविटीज है ये बुक में ही हो जाएंगी, ठीक है. और कैंडल वाली एक्टिविटी आइदर इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स और इन फ्रंट ऑफ कैट्स, इट्स बेटर कि घर पे ही पापा की मामा के सामने करोगे, ताकि उसमें करना नहीं है कुछ, सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है, जिससे आपको पता चलेगा हाउ कम एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, एयर किस लिए यूजफुल है बर्न, किसी चीज को जलाने में भी, ठीक है. तो ये चैप्टर बच्चों हमारा डन है. नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे सारे स्पेस ऑब्जेक्ट्स लाइक स्पेस क्राफ्ट में रिलेटेड चीजें, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो इतना अभी जितना किया है इस चैप्टर का वो वाला काम करो, ठीक है. ओके बाय.